है मेरी बहन का घर, आज उनकी बरसी है। सब्जी तैयार हो गई, मैं भी आपको दिखा दूंगी उसका फाइनल लुक। और घर भी डाल दूंगी, आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और बस ये इसके अंदर बिस्मिल्लाह। राजू तुम हाँ दे। राजिया की दुनिया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो आज बन रही है चने की दाल की बड़ी। ये मेरे एक फेवरेट यूट्यूबर है, तो जब भी वो कुछ बनाती है ना तो मुझे ना खाने का आइडिया हो जाए कि आज मुझे ये चीज़ बनानी है। तो कल उन्होंने बनाया था राजमा चावल और आज उन्होंने बनाई है अपने ब्लॉग में चने की दाल की बड़ी भी बोलते हैं, और बहुत से लोग भाप बड़ी भी बोलते हैं। तो मैं तो चने की, हम तो बड़ी ही बोलते हैं, चने की दाल की मूंगचिया बोलते हैं। तो ये बना रही हूँ, मैंने इसको कम से कम एक डेढ़ घंटा हो गया भिगो दिया था, तो इसको दरदरा पीस लूँगी मैं और पूरा जैसे भी बनेगी रेसिपी आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। तो बस अब ये भीग गई है, वैसे देखो इस तरह की हो गई। अब मैं इसको दरदरा सा पीस लूँगी और आपको सबसे साथ साथ बताती भी चलूँगी। देखिए ये हमारे जो जैसे कोफ्तों के अंदर मसाला जाता है ना, इस तरह जाएगा हमारी बड़ियों के अंदर मसाला। तो मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग। गरम मसाला, गरम मसाले में मेरे पास बड़ी इलायची वगैरह नहीं थी, आप वो भी ले सकते हैं। और एक छोटा सा प्याज, लहसुन की कलिए 10 से 12, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, आप हरी मिर्च भी ले सकते हैं, लाल भी, मुझे लाल मिर्च अच्छी लगती है। तो बस ये मसाले चने की दाल के साथ मैं पीस लूँगी। अभी ये दरदरी सी हो रही है, ये मसाले डालेंगे ना इसमें तो थोड़ा पानी सा भी आ जाएगा, और इसके साथ में इसको पीस लूँगी कि चला गया है सारा मसाला। मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया और छलनी के ऊपर घी भी लगा के रख दिया। इसके ऊपर बड़ी लगी डलेंगी ना, तो ये पानी अच्छे से बॉईल होने के लिए आप रख सकते हैं पहले ही। गाइस ये दरदरा सा अच्छे से पीस चुका है, एक दो दाना दाल का रह जाएगा, कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ बड़ा मसला नहीं है। तो इसी तरह करके मैं सारा पीस लेती हूँ जल्दी से, है ना। देखिए गाइस ये पीस चुका है और अच्छे से मैंने इसके अंदर सारा जो था ना सब मिला लिया और अच्छे से बहुत अच्छे से फेंट भी लिया। फेंट भी सकते हैं आप, टाइम है तो 10-5 मिनट भी सकते हैं। और ये पानी हो गया है मेरा बॉईल, पानी बॉईल अच्छा खासा रखना है आप, 2 गिलास पानी रख लेना। और उसके बाद छलनी के ऊपर मैंने घी लगा लिया था, और बस अब ये बड़ी है, इसके ऊपर आप अपने बड़ी रखना चाहें छोटी अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। मैं आपको रख के दिखाती हूँ कैसे रखी जाएगी। तो ये देखिए गाइस, और ये ना बिल्कुल भी चिपकनी नहीं, क्योंकि जब ये बिल्कुल पक्की पक्की हो जाएंगे तो फिर अगर जुड़ भी जाएँ तो हम यहाँ से इन्हें अलग कर लेंगे। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी कैसे कैसे होगा। एक बार में ही मैंने सारी डाल दी, ठीक है। अब ये 30 मिनट का टाइम लगा दूंगी मैं, 30 मिनट में ये बन जाएंगी, ठीक है ना। इतने में मसाले वगैरह कर लेती हूँ, बस अब ये ऐसे रख लेते हैं। बीस मिनट भी हो गई, 9 मिनट का टाइम अभी भी रह रहा है, तो सब मैं इसको उतार दूँ और मसाला भून लूँ फटाफट। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि एक के ऊपर अगर एक भी रख देंगे, मतलब साइड साइड से अगर ये आपस में जुड़ भी जाएंगी, तो जब ये भाप में अच्छे से पक जाएंगी ना, तो उसके बाद आप इन्हें तोड़ के अलग भी कर सकते हैं। मैंने ना इसको ऐसे कपड़े पर निकाल के रख दिया, आप फ्राई करना चाहो ज़्यादा मतलब टेस्टी तो ऐसे भी बनेगी लेकिन हेल्दी नहीं रहने की। और मैंने एक बार फ्राई करके बनाई भी थी, तो मैंने बहुत सारे ऑयल में से फ्राई करी, तो इन्होंने सारा घी पी लिया था और कोई भी टेस्ट नहीं आया था। तो इसलिए बस मैं इनको ऐसे डालूंगी, क्योंकि राजू भी ज़्यादा ऑयल का खाना नहीं खाते और मैं भी, ऐसे भी बहुत टेस्टी बनेगी। ये ऐसे रख दिए मैंने इसके ऊपर इतना। चलिए हम मसाला भून लेते हैं, और ये ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है सूखी भी। और बर्तन वगैरह ही वॉश कर लिए मैंने, इतने ये होती रही ना, इतने मैंने बर्तन वॉश कर लिए। और अब चलते हैं इसके मसाले की तरफ। इसके मसाले और मिर्च ना थोड़ी सी, क्योंकि मैंने साबुत मिर्च डाली ना, तो थोड़ी मिर्च उसमें तेज़ हो गई, तो मिर्च इसमें मैंने मिर्च थोड़ी सी लिया, हल्दी भी चुटकी भर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 2 चम्मच धनिया जो हमारे उसमें आता है ना मसालों के डब्बे में वो वाले, 2 चम्मच धनिया, और 1 प्याज छोटा सा, थोड़ा सा ज़ीरा। तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर इसे डाल लेंगे, और अच्छा खासा ब्राउन करना है इसको, डार्क ब्राउन करके। बड़ा सा साइज का टमाटर था, खा भी दिया इसके अच्छे से, मतलब इसको भी पीस लेंगे। आप साबुत भी डाल सकते हैं, प्यूरी भी बना सकते हैं, तो मैं प्यूरी बना के डालूंगी इसकी।
ना लहसुन अदरक का पेस्ट और एक बड़े साइज का प्याज था, उसको मैंने अच्छे से दर दरा सा बस पीस लिया था। ये मसाला डाल दिया, बस टमाटर भी इसी में डाल दिए, मैं तो आप पीस के भी डाल सकते हैं, मैंने तो सब कुछ ही डाल दिए। और ये मसाला भी इसके अंदर डाल दिया, जल्दी हो रही है मुझे नहाने की बहुत ज़्यादा, तो ये मसाला इसके अंदर डाल के अच्छे से भुनाई कर लूँगी इसको, मसाले को अच्छे से भूनना, इसीलिए मैंने टमाटर इसमें साबित डाल दिए ताकि ये टमाटर इसमें गले ना तो मसाला भी अच्छे से भून जाएगा। बस अब ये रेडी हो जाएगा, मैं भून लूँ इसको, बस भूनते ही जाना है, जब भून वो उस स्टेज पे आ जाएगा ना कि इसमें शोरबा करके बढ़िया डालनी है, मैं आपको जब भी दिखाऊँगी। बढ़िया वाली हो गई, और ये वही वाली खटाई है जो छोले भटूरों के साथ हमने वहाँ मंगाई थी ना, और ये रही बड़ी, ये इसमें नहीं लगाती, इसे ऐसे काट के खाऊंगी। बहुत ही यम्मी टेस्ट है ना, खजूर के फ्रूट्स वगैरह की चटनी है, खजूर की इमली की सोट बोलते हैं इसे, पता नहीं क्या बोलते हैं, सेब की, तो मैंने ना बहुत सारे लाए थे राजू, मैंने रख ली थी, मैंने कहा इस तरह सॉस से भी कहीं ज़्यादा अच्छी है ये, तो छोले भटूरों के साथ लाए थे राजू, मैंने कहा चलो इसके साथ खाते हैं, बहुत ही टेस्ट लग रही है, खूब शहद की तरह। मसाला कितने अच्छे से भून चुका, बस मैं इसको थोड़ा सा और भून के इसके अंदर शोरवा करके पानी जितना ग्रेवी करना है उतना करके और फिर इसमें बड़े डाल दूँगी, डाल देते हैं इसके अंदर पानी, पानी के अंदर एक ग्लास और डालूँगी ये वाला। बस मैंने सोचा कि रोटी से फारीक हो जाऊँ, मैं तो फिर पसीने पसीने जाऊँगी, नहा लूँगी और फिर नहा के आते ही एकदम नमाज पढ़ लूँगी, फिर बाद में खाएंगे खाना वाना। तो बस ये बनानी है 4-5 रोटी और मैं रोटी वगैरह बना लूँ, सब्जी तैयार हो गई, मैं भी आपको दिखा दूँगी उसका फाइनल लुक, और गर्मी कितनी खतरनाक हो रही और सुबह इतना अच्छा मौसम हो रहा था बारिश का, तो चलिए थोड़ी देर में करूँगी बात। ये देखिए गाइस इसके अंदर अच्छे से खत्ता लग गया था, बल्कि मैंने एक सीटी लगा ली थी, और ग्रेवी इसमें थोड़ी ज़्यादा ही रखी जाती है, हमारे यहाँ कोई इतनी खाते नहीं, तो बस मैंने तो हल्की हल्की सी थोड़ी ग्रेवी रखी, और थोड़ी सी मैंने इसमें मेथी भी डाल दी थी, आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, और बस ये इसके अंदर डल जाएगी, और अब सीटी या खद्दा वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खद्दा इसमें ऑलरेडी लगा हुआ ही है, और मैं इसका ढक्कन लगा के रख दूँगी, मतलब गैस बंद कर दूँगी, और बस ये रेडी हो गई। अब मैं आपसे सीधा बिल्कुल नहा के ही बनूँगी लूँगी, और मुख्तार राजू तो कलोनी पी गया, मुख्तार वो जहाज़ लाया था ना तो उसे बहुत शौक़ लग रहा था कि वो, क्योंकि कलोनी बहुत बड़ी है ना, वो उड़ भी जाएगा, अटकना नहीं कहीं पे, तो मुख्तार राजू कलोनी में है, सुबह अभी तक सोई रही, और अब मैं नहाने जा रही हूँ, और टाइम हो गया पूरे 3 बज गए, और अब तक सो रही सुबह, नहा के आ चुकी, अब नमाज वगैरह पढ़ूँगी। इस नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली, बाल भी सुखा लिए, अभी मैं फेस पे भी कुछ नहीं लगाया, लिपस्टिक भी नहीं लगाई, लिपस्टिक हल्की सी मैं उंगली पे लेकर ऐसे रब सा कर लूँ बस, और मैं तो खाना उतारने आई, मैं राजू मुख्तार तक नहीं आए, चक्कर आने लगे, मैंने कहा चलो खा लूँ जोहा कर अपना खाना ले लूँ, जोहा की तबीयत नहीं ठीक हो रही इसलिए इतना टाइम हो गया उसे सोते सोते, बीच बीच में उठी थी, नाश्ता करके फिर सो गई थी, अब खाना दे दो। और हाँ मैं ना रामपुर से मतलब घर से सिरका लेके आई थी, ये रामपुर से अगले दिन का वीडियो है, अगले दिन का व्लॉग है, तो ये सिरके वाले प्याज मुझे बहुत पसंद है, और हाजिम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वेट लॉस वगैरह में भी फ़ायदेमंद है, तो ये भी खाएंगे, अभी प्लेट लगा के दिखाती हूँ आपको। गाइस ये है मेरा खाना, और ये है जोह का, हाँ ये तो जोह का है घी घी का, और मैंने अपने लिए सिंपल ही लिया, आए हाय अच्छा लग गया, और ये सिरके के प्याज, ये मैंने ऐसे प्लेट घुमाई ना तो सरक के इधर आ गया, चलो खैर कोई नहीं, और ये मेरा है, मैंने ऑयल वगैरह नहीं लिया ज़्यादा,
और ये जोहा का है, रोटी जोहा ले गई। तो चलिए खाते हैं। बारिश हो, बिल्कुल मौसम बारिश का हो गया था इसलिए डाल दी थी। अबे भाई, अरे मेरे बच्चे, रुक रुक जा। गाइस, मुख्तार की मुर्गी ने मूर्त किया है आज हमारी मुर्गी ने माशाल्लाह से पहला अंडा दिया। मुख्तारी हट जाइए एक सेकंड, मुझे दिखाने दीजिए। दिख गया मुख्तारी को, थोड़ी सी लॉस आ गई। ये रहा है, ये तो ये जल्दी जी उठा के हाथ दे दो ना अंदर। मैंने तो हाथ दे दिया था, सॉफ्ट से हटाई। वो खाते तो हमें नहीं है, आराम से बिस्मिल्लाह। राजू तुम हाथ दे दो, से उठा लो। ले मुझे तो पहले आवाज आ गई कट की पहले टक दिस की आवाज आ गई। बस ये है, इसी में दे दे, उधर ना दे, नहीं तो कब उठा लेंगे, है ना। बिस्मिल्लाह, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, अंडा दिखाओ। ये आय पिंगोरा, दो दोने से कुछ तो नहीं होगा, टूट गए। देसी कंडा है, इसे बोल लें देसी कंडा। मम्मा दो दो भाई। ये देखिएगा गाइस, हमारी मुर्गी ने पहला अंडा दिया। देखो भाई गाइस, माशाल्लाह से। मैं आज ही बता रही थी आप लोगों के, गाड़ी के हमारा वो सामान थोड़ा सा रह रहा था, ये आ गया मुख्तारी की गाड़ी का हेलमेट। हेलमेट या हेलमेट क्या बोलते हैं, आराम से इस पे वो ना लग जाए स्क्रैच। तुम्हें पता बाबा, पीछे तो देखो एक बार, पीछे क्या लगा हुआ। बिस्मिल्लाह, पीछे देखो। हाँ हाँ, लाइट लाइट जलती होगी। अरे बेटे, स्पैंडर बेटे उल्टा दिखा रहे हैं ना, आप ऐसे दिखाते हैं ऐसे जी। देखिए जी, दिखाई दे रहा है इसको। और दिखाना, और क्या क्या है मुन्ने। और मुन्ने जब इसके ऊपर ये है तो फिर दिखेगा किस तरह। आज दिया इन्होंने इतने दिनों बाद, पता नहीं भाई इसके अंदर तो क्या क्या। और ये जब ये है इसके ऊपर, ये उतरता होगा शायद। ये नहीं उतरता इन चीजों को देते हुए, वो जबकि साथ आए देते हुए बहुत जोर पड़ता है इन पे, बाइक वालों पे एक्स्ट्रा सा। ये लगा बाइक पे प्लेट 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 बोलते हैं। और ये पीछे नंबर भी दिखाई दीजिएगा आपको। गाइज, खाने वाने से सब चीज़ों से फारिग हो गए थे, और राजू की वो भी मैंने आपको सामान भी दिखाया था, नंबर प्लेट वगैरह लगी थी राजू की, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आना जाना पड़ता है, इसीलिए उन्होंने बाइक ली थी। हेलमेट वगैरह इन सब चीज़ों की चेकिंग ना हो, तो इसलिए बस उन्होंने आज सारा बाइक का काम भी कम्प्लीट करा लिया। और आज मेरी जो बहन है ना, पप्पो की बेटी, उनकी आज बरसी भी है, एक साल हो गया उनके इंतकाल को। मैंने वहाँ पर बहुत ब्लॉग भी, बहुत तो नहीं, एक ब्लॉग बनाया था जिसमें मैंने प्लांट वगैरह का, शुरू में जब मैं ब्लॉगिंग करती थी ना, जैसे रामपुर में मेरा हमारा आसपास घर है, इसी तरह यहाँ बिल्कुल सामने गली से निकलते ही बुरका वगैरह ओढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सामने उनके यहाँ देखिएगा उनका, आज तो मैं जा रही हूँ उनके यहाँ। मैंने घर वगैरह बहुत डेकोरेट कर रखा था, तो मैंने सोचा चलो आपको घर की थोड़ी सी डेकोरेट जो कर रखा हो वो वीडियो दिखा दूँ। नहीं कहीं नहीं, अच्छी लगी। लो देखा, अच्छा तुमने खोली नहीं, मैं सोच रही हूँ आगे कुदरती आगे लाइट हाँ वो तो काट। देखो भाई गाइज, कितना अच्छे बना रखे अक्सा ने, और अक्सा का अक्सा क्रिएशन के नाम से अक्सा ने अभी चैनल भी स्टार्ट किया। आप लोग अगर देखना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये इस तरह के जो है ना, देखो वॉल को अक्सर नहीं डेकोरेट कर रखा, अगर आप चाहें तो ये कार्ड वगैरह से की हुई है, सारी डिटेल इनके चैनल पे मिल जाएगी आपको। और ये देखिए, ये रेशम के कंगन है, रेशम के कंगन है। ये भी हर मतलब सूट की मैचिंग के आप बनवा सकते हैं, और साइज और कलर कस्टमाइज हो सकता है। बता दो अक्सर तुम, कोई बात नहीं। ये देखिएगा माशाल्लाह से कितने खूबसूरत। और ये नहीं है कि मतलब बस यही है जो आप अपने पसंद से अपने सूट के अकॉर्डिंग, जिस भी तरह का जैसे आपके सूट पे जिस चीज़ का वर्क होगा
उसका भी बन जाएगा, नेम वाले भी आ रहे हैं नेम, और जिसका आपको कलर कॉम्बिनेशन जो चाहिए वो भी हो जाएगा, सूट का कलर कॉम्बिनेशन। ये रेशम वर्क है और इसके ऊपर ये गोटा पत्ती वर्क, मतलब सब तरह का वर्क मिल जाएगा जैसे सूट के ऊपर हो। वैसे तो इनके चैनल पे भी आपको मैं लिंक दे दूंगी, चैनल पे भी आप जाके देख सकते हैं। ये ब्राइडल सेट है। अच्छा। और इस तरह से आपको ये नाम वाला भी मिल जाएगा, मतलब यहाँ दुल्हन का नाम और यहाँ दूल्हे का नाम। वैसे यहाँ मेरा नाम है फिलहाल। सैंपल के लिए है। और अगर आपको नाम वाला नहीं चाहिए तो ये हम अच्छा बिना उसके, हाँ वैसे तो खैर नाम वाले भी चल रहे हैं, अच्छे लगते हैं अब तो, दुल्हन के दुपट्टे वगैरह पे भी आ रहा है तो ये ऐसे भी हो सकता है।